फगवाड़ा पुलिस ने ड्रोन की मदद से दुकानों पर चाइनीज डोर बेचने वाले और छतों पर चाइनीज डोर से पतंग उड़ा रहे लोगों को राउंडअप किया और उन पर बनती कार्यवाही के तहत मुकदमा दर्ज किया। इस बारे में ज्यादा जानकारी देते हुए थाना प्रभारी अमनदीप नाहर ने बताया कि शहर में ड्रोन की मदद से एक दुकानदार से 3 चाइनीज डोर के गट्टू और छत पर पतंग उड़ा रहे युवक से भी गट्टू बरामद किए गए हैं और उन पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। फगवाड़ा से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। ये असी चाइना डोर की सर्च अभियान चलाया कि चाइना डोर जी शहर कोई बेच रहा है अगर कोई यूज कर रहा है वो संबंध से असी काफ़ी दुकाना चैक कीतियाँ। तो एक दुकान असी इंदिरा नगर चैक की सी जिहदे विचों सानू 3 गट्टू मिले चाइना डोर के। तो जिहड़ा दुकानदार परमिंदर कुमार सानूफ मनोहर लाल वासी इंदिरा नगर सेगा इस दे खिलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया है। तो इस तरह ही असी नेड़े नेड़े काफ़ी महल्लों के जिते पतंगबाजी हो रही थी उत्थे जाके चैकिंग की ड्रोन राही। तो जिहड़े पतंग चाइना डोर के नाल चढ़ाते सीगे उन्होंने एक बंदा राउंड अप किया गुलशन गोगना सन ऑफ राजकुमार ये को भी 3 चाइना डोर के गट्टू मिले आ जिन्होंने पतंगबाजी कर रहा है तो इसके खिलाफ ही असं मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पाठशाला कार्यक्रम पर यमुनानगर हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल सिंह गुज्जर ने कहा कि स्कूल में बच्चों के साथ बैठकर प्रधानमंत्री को सुनने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि हम सब बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जो हर वर्ग की चिंता करते हैं और एक अभिभावक की तरह बच्चों का ध्यान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री को बच्चों की परीक्षा की चिंता है, इसलिए उन्होंने परीक्षा पर चर्चा कर बच्चों का मार्गदर्शन किया। वहीं उन्होंने अभिभावकों को भी प्रेरित किया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की इस चर्चा से निश्चित ही बच्चों के मन में जो चिंता थी वह दूर हुई है और वे परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। तो वहीं इस कार्यक्रम के बाद शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुज्जर ने स्कूल का निरीक्षण भी किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा के स्कूल अब प्राइवेट स्कूलों के मुकाबले कई गुना बेहतर हो चुके हैं। हरियाणा सरकार एवं शिक्षा विभाग सरकारी स्कूलों को और अच्छा बनाने का प्रयास कर रही है। यमुनानगर में बच्चों के बीच बैठ के वो पूरा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और हम सब बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जो हर वर्ग की चिंता करते हैं और उसमें चर्चा भी करते हैं और एक अभिभावक की तरह उनको इस प्रकार बात की भी चिंता है कि अभी जिस प्रकार से बच्चों के की परीक्षाएं हैं तो उसमें कई बार वो टेंशन में जाते हैं, दबाव में जाते हैं, तो उनको दबाव से निकालना और इस प्रकार का एक माहौल तैयार करना उसके लिए उनका जिस प्रकार का प्रयास है और अभिभावकों के लिए भी किस प्रकार से उनका व्यवहार रहना चाहिए उसके प्रकार का उसका भी उन्होंने मार्गदर्शन दिया। तो मैं तो बहुत उससे प्रभावित हूँ उससे और मैं समझता हूँ निश्चित तौर से बच्चे उनके मार्गदर्शन से लाभ उठाएंगे। पंजाब में धरती के निचला पानी खत्म होने की कगार पर है। ये कह सकते हैं कि आने वाले कुछ समय में पानी आम लोगों की पहुंच से दूर हो जाएगा, जिसके लिए सरकार भी चिंतित है। इसी पानी को बचाने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के विधानसभा क्षेत्र धूरी में एक 75 वर्षीय बाबा एक अनोखे मिशन पर निकला है, जिसका मकसद है धरती के निचले पानी को बचाना और खेतों में नहरी पानी लगाना। इसी को लेकर वह 15 जनवरी से केला अपने घर से निकला और धूरी के आसपास के करीब 60 गांवों में पैदल चलकर लोगों को पानी बचाने और एक मंच पर आकर सरकार से अपील करने के लिए कि उनके खेतों को नहरी पानी उपलब्ध करवाया जाए। इसी मिशन को लेकर वह गांव-गांव निकला है। तो वहीं बाबा के साथ कारवां बनता चला जा रहा है। बाबा जरनैल सिंह ने अब तक धूरी के साथ लगते करीब 40 गांवों का सफर पूरा कर लिया है। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। सरदार जरनैल सिंह जी जहांगीर प्रधान नहरी पानी प्राप्ति संघर्ष कमेटी। मैं ना तो मैनू कोई ठंड की परवाह है, मेरी 75 साल की उम्र है, पर मेरी उम्र तो ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੇ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 15 to 17 ਸਾਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਚਿਆ, ਅਸੀਂ 86% ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਰਮਾਉਣ ਖਾਤਰ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕੋ ਤੁਸੀਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲਓ। ਮੈਂ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ
पैदल चल रहे हैं। श्री गुरु रविदास मंदिर कटड़ा मोहल्ला बस्ती दानिशमंदा की ओर से श्री गुरु रविदास जी महाराज के 646वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में तीसरी प्रभात फेरी निकाली गई। इस दौरान स्त्री सत्संग सभा की प्रधान बंती देवी, कृष्णा देवी, रमा देवी, संतोष रानी, उषा रानी, सुमन लोचने श्री गुरु रविदास जी महाराज की महिमा का गुणगान करते हुए इलाके की परिक्रमा की। ये प्रभात फेरी काशी नगर स्थित डॉक्टर राजकुमार के निवास स्थान पर जाकर संपन्न हुई, जहां पर डॉक्टर राजकुमार के पारिवारिक सदस्यों ने पुष्प वर्षा कर इस प्रभात फेरी का स्वागत किया। इस मौके पर मंदिर कमेटी के सदस्य सतपाल पाला, स्वर्ण यादव, महेश अंगुराल, प्रदीप थापा, पवन अत्री, बलवीर लोच, रतनलाल, चमनलाल पाठी, जंग बहादुर, लाडी अंगुराल सहित अन्य भक्तजन भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। सत्कारयोग सरदार जसवीर सिंह जी, डॉक्टर राजकुमार जी, श्री राकेश कुमार जी और होर सारा परिवार कांशी नगर विखे पहुंची है। और आए हुए परिवार फेरी का इस परिवार ने बहुत मान सत्कार किया है, लंगर सेवा की है, चाह पानी के लंगर का आयोजन किया है। बेअंत माया अरदासा वजो कराई गई हैं। अज महाराज के जन्मदिन के उपलक्ष्य जो कि 5 तरीक न महाराज जी का पवित्र जन्म दिहाड़ा आ रहा है और 4 तरीक न पवित्र शोभा यात्रा निकाली जाएगी। सारे असं बेनती करते हाँ कि पवित्र शोभा यात्रा में भी तुम होमा मा के पहुँचना है और 5 तरीक न महाराज जी का जन्मदिन तुम बड़े चावान के सदरों नाल मनाना है। सो सारे परिवार ने साड़ी गुरु घर दिशी साहब ने कीर्तन दरबार किया, कीर्तन शब्द निहाल किया और इस परिवार ने बहुत सारी सेवा जी अरदासा कराई हैं। बाहर विदेशों को भी अरदासा आई हैं। सो असी घर परिवार वाले का अपनी सभा वालों उन्होंने लख लख बधाई दें, क्योंकि साड़ी सभा के सारे ही मैंबर साहबान साढ़े महेश अंगुराल जी, साढ़े बहुत ही सत्कारयोग चेयरमैन स्वर्ण यादव जी, गुरदयाल जी और चमन राज सारे ही मैं नाम से चक्रा नहीं करता, सारी सभा के मैंबर साढ़े नाल पहुंचे ने। तो एक बार फिर डॉक्टर राज जी, जसवीर जी, राकेश जी और होर सारा परिवार असं उन्होंने तहे दिल उन्होंने धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपने ग्रह विखे प्रवासी के चिन्ह पवा के जो मान सत्कार दिता है। असं एक बार फिर उन्होंने तहे दिल उन्होंने धन्यवाद करते हैं। गुरु रविदास महाराज जी के 646वें प्रकाश पर्व दियारियों लगे हुए हैं। साडा सारा ही गुरु रविदास रविदासिया समाज इस गुरु के जन्मदिन के वास्ते सारा साल ही तैयारियां करता रहा है और इस शुभ अवसर पर 5 फरवरी नू सारे ही पंजाब वासी, हिंदुस्तान वासी, अपितु जिथे जिथे भी गुरु रविदास महाराज दियां संगतां बैठिया हैं वो सारे ही इस दिन लई इंतजार करते हैं। असी गुरु महाराज के इस फलसफे नाल जुड़ते हुए आप सबनों एक बार फिर
इस जन्मदिन की लख लख बधाई देंगे हाँ। आस करते हैं कि सारे ही इस जन्मदिन के उत्ते हम आ के पहुँचेंगे और गुरु महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत सिंह मान और डीजीपी पंजाब गौरव यादव के निर्देशानुसार बसंत पंचमी के मौके पर पूरे प्रदेश में पुलिस ने किसी भी तरह की चाइनीज डोर और डीजे पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के लिए अलर्ट जारी किया था। इसी के तहत जालंधर पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए जालंधर के जैना नगर के पास एक घर की छत पर डीजे लगाकर पतंगबाजी की जा रही थी। थाना 5 की पुलिस मौके पर गई तो डीजे को बंद करवाकर डीजे को अपने कब्जे में ले लिया। इस मौके पर डीजे के मालिक ने कहा कि अगर पुलिस द्वारा उसका डीजे बंद किया जा रहा है तो शहर में चलने वाले सभी डीजे भी बंद कर दिए जाएं। वहीं मौके पर पहुंची थाना 5 के एएसआई सुखदेव सिंह ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि कुछ लोग डीजे बजाकर पतंगबाजी कर रहे हैं, जिस पर उन्होंने मौके पर पहुंचकर डीजे को रोका और डीजे मालिक को चेतावनी देकर छोड़ दिया। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। इकला मेरा नहीं लगा ऐसे घट्टो घट एक लाख जिन्ना भी घर है सारे दे उत्ते लगा सारे दे कारवाई होनी चाहिए फिर इकला एक एक परसेंट नहीं होनी चाहिए 100% होनी चाहिए सारे बंद होनी चाहिए मेरे ना मोटरसाइकिल ते बैठो तुम सारे को लेके जाना भाई असी नहीं थे पुलिस नाल थे गल की थी मैं गल की थी भाई मैं गल की थी भाई एक बंदे तेरी कारवाई होनी चाहिए सारे ते होनी चाहिए मेरे ना बैठो गड्डी ते तुम लेके जावा कंट्रोल तो इकला ही भी चैनल डोर नहीं गवाहों की हाजिरी में तलाशी लिए चाइना डोर नहीं मिली लेकिन बॉक्स रखे ही वजते नहीं इस करके ना वजते हुए ना सबूतों की अनहोन आप कोई अगर कार्रवाई नहीं कर सकते डीजे बॉक्स जरूर पे ही पर लग वज नहीं रहे तो सर स्पीकर वैसे ही रखे हुए थे उत्ते सर जिन्हें चेक वजते नहीं आप इस तरह उन्होंने उत्ते एक्शन कि ले सकते हाँ जी हाँ जी तो हूँ की कार्रवाई की जा रही वार्निंग दी है भी कोई इस तरह नहीं जी मान योग। एक तरफ जहां पंजाब भर में लोगों द्वारा बसंत पंचमी का त्यौहार पतंगबाजी करके मनाया गया जिसके चलते प्रशासन की ओर से चाइना डोर पर पाबंदी लगाई गई है, लेकिन इसके बावजूद भी कई लोगों की ओर से चाइना डोर का इस्तेमाल किया गया, तो वहीं बठिंडा में छोटे छोटे बच्चों द्वारा गलियों में कट कर आई चाइना डोर को इकट्ठा किया गया ताकि ये डोर किसी बड़े हादसे का कारण ना बन जाए। पंजाब में आवारा पशुओं की समस्या से परेशान किसानों ने फतेहगढ़ साहिब में डीसी कार्यालय में पशु छोड़कर रोष प्रदर्शन किया। इस मौके पर किसानों का कहना था कि प्रशासन कुंभकर्णी नींद सोया हुआ है जिसे जगाने के लिए यह रोष प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं मौके पर पहुंचे तहसीलदार ने कहा कि उन्होंने किसानों से मांग पत्र ले लिया है और जल्द ही इस समस्या का हल किया जाएगा। रूप जो आवारा पशु जिहड़े सीमित गिणती च लिया के छड्डे आ असीं इहनां नूं इह दस दित्ता कि जे तुसीं नहीं हल करदे हुण तों बाद तां असीं वड्डी गिणती जिन्ने भी आवारा पशु फिरदे आ इह सारा कंपलैक्स भर दांगे लिया के। इह अज तहसीलदार साहब ने मंग पत्र साहब तों लै के कहा कि अगे तों असीं आप कोशिश करके जिहड़ी सरकारी गऊशाला उत्थे डंगरां नूं पहुंचावांगे जे इह अपने अज दे इस कहण ते खरे उतरदे तां अगे नूं कोई जिवें कहिंदा रौला ही मुक जाएगा मसला ही मुक जाएगा। जे इह केवल कहण तक सीमित रहि गिआ तो यह मसला इस तरह रहा रोडा रोड से आवारा पशु घूमे किसानों दी फसलां नुकसान किया फिर सानू मजबूर होकर वड्डा एक्शन करना पेगा। किसानियों वालों प्रोटेस्ट किया गया इतने कि गऊं जिहड़ियां रोड से फिरदियां ने उन्होंने लोग ना छड्डन ते उन्होंने फड़ के गऊशाला छड्डिया जाए। मैं ये दसना चाहुंदा कि साढ़े पिछले दिन ही फतेहगढ़ साहब जोड़ मेला सीगा उस तो पहला असी 72 गऊं फड़ के सरकार वालों असी साढ़े डिपार्टमेंट राही 72 गऊं फड़ के असी सरकारी गऊशाला छड्ड के आए हैं तो अगे तो भी असी ये जिहड़ी साड़ी ड्राइव है चलती रहेगी। बट मेरी लोगों नूं रिक्वेस्ट है कि जे गऊ दुध देना छड्ड दिंदी है तो उन्हें रोड से ना छड्डो उन्हें सरकारी गऊशाला साढ़े गड़ैलियां हैगी उत्थे छड्ड के आओ। बठिंडा की लाल सिंह बस्ती में आम आदमी क्लिनिक का उद्घाटन बठिंडा से विधायक जगरूप सिंह गिल और डिप्टी कमिश्नर शौकत अहमद परे की ओर से किया गया। इस मौके पर विधायक जगरूप सिंह गिल ने रिबन काटकर इस क्लिनिक का उद्घाटन किया तो वहीं इस दौरान उन्होंने अपना ब्लड प्रेशर भी मोहल्ला क्लिनिक में चेक करवाया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए वचनबद्ध है, इसलिए
पंजाब भर में 400 आम आदमी क्लिनिक खोले गए हैं। बठिंडा में भी लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए 17 मोहल्ला क्लिनिक खोले गए हैं। तो वहीं इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर शौकत अहमद परे ने बताया कि 5 किलोमीटर के दायरे में या मोहल्ला क्लिनिक खोले जा रहे हैं ताकि लोगों को दूर जाकर अपना इलाज ना करवाना पड़े और हर व्यक्ति को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिल सके, इसी उद्देश्य से ये क्लिनिक खोले गए हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार जो चोणों के दरम्यान फील्ड के आई थी, उन्होंने सब तो वध पंजाब के लोगों जिस गल पर फोकस करना सी वो वायदा किया एजुकेशन एंड हैल्थ। उस देखते हुए एक साल तो घट समा हो सरकार बनी, पहले साल 15 अगस्त के उत्ते हैल्थ के खास तौर के उत्ते ध्यान देंदे हुए जेडे पहला 100 मोहल्ला क्लीनिक शुरू किए गए जेडे बाखूबी चल रहे हैं और उस तो लखां लोग फायदा ले रहे हैं। 26 जनवरी नूं जेडे 400 मोहल्ला क्लीनिक होर जेडे है लोगों समर्पित करने हैं जिदे नाल लोगों नूं बहुत वड्डा फायदा होगा। और बठिंडे दे विच 2 मोहल्ला क्लीनिक एक ऊधम सिंह नगर और एक खेता बस्ती पहला चल रहा है और 5 मोहल्ला क्लीनिक जिदे विच जिथे असीं अज खड़े हैं लाल सिंह बस्ती, उस तों बाद बेअंत नगर, जनता नगर, गणेशा वासी ते परसम नगर जिन्हों का उद्घाटन अज किया जाना है। और अज के दिन अमृतसर साढ़े मानयोग सुप्रीमो श्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के प्रधान और पंजाब के मुख्यमंत्री सत्कारयोग सरदार भगवंत सिंह जी मान और उन्हां दी टीम ने अमृतसर तो इस दी शुरुआत की है और उस कड़ी के तहत अज असी सारे मेरे नाल जिहड़े पंजाब के चेयरमैन ने वो खड़े ने डिप्टी कमिश्नर बठिंडा, CMO साहब बठिंडा और सारी जी एडमिनिस्ट्रेशन की टीम खड़ी है। अज असी बठिंडे के लोगों नूं 5 मोहल्ला क्लीनिक होर देन जा रहे हैं जिदे नाल बहुत वड्डा फायदा होगा। एजुकेशन दे विच भी कल 26 जनवरी नूं 117 स्कूल ऑफ एमीनेंस हर हल्के दे विच एक स्कूल जिदे नाल जिहड़ा कंपीटीशन दे विच जिहड़े बच्चे जाणगे उन्हां नूं विद्या दा जिहड़ा म्यार है और उत्थों जिहड़े टीचर होणगे उन्हां नूं बाहर ट्रेनिंग देने वास्ते तां कि अच्छा तरीका एजुकेशन दा इत्थे वधे, उस दे लई भी भगवंत सिंह मान दी सरकार ने बहुत वड्डा उपराला कीता। सरकार जिहड़े भी हैगे आ जिहड़े भी एम्पलॉयज़ है वो सारे पब्लिक दी सुविधा दे लई एम्पलॉयज़ है। इत्थे जे आपां इह कहीए कि वो फलानी डिपार्टमेंट दा है ते इह फलानी डिपार्टमेंट दा, इह सारे इसी पब्लिक दे लई काम करन दे लई ने। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਧਰ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार कमीशन के उत्तर भारत के डायरेक्टर अमनदीप मित्तल ने अपनी टीम के साथ झुग्गी झोंपड़ियों में जाकर 26 जनवरी मनाई। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार कमीशन के उत्तर भारत के डायरेक्टर अमनदीप मित्तल ने बताया कि हमें बहुत अच्छा लगता है जब इन प्यारे छोटे छोटे बच्चों के बीच जाकर हम उनसे खुशी का इजहार करते हैं तो उन्हें भी बहुत खुशी महसूस होती है। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार कमीशन की लीगल टीम ने उन्हें कानून के प्रति जानकारी भी दी। तो वहीं इस अवसर पर डॉक्टर जूही वर्मा भसीन ने बताया कि वे हमेशा से समाज सेवक के रूप में लोकहित के लिए काम करने के लिए आगे रहती हैं। वहीं उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात पर गर्व है कि उन्होंने 26 जनवरी का त्यौहार इन झोंपड़ियों में बच्चों के साथ मनाया। उन्होंने कहा कि उन्हें दिल की गहराइयों से इस बात की खुशी है। वहीं उन्होंने बच्चों में लड्डू बांटे और उन्हें तिरंगे झंडे भी दिए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमें लोक कल्याण के लिए काम करने के लिए आगे आना चाहिए। मेरा नाम डॉक्टर जूही वर्मा भसीन है। मैं अमन मित्तल सर मेरे साढ़े नेशनल डायरेक्टर ने ह्यूमन राइट्स कमीशन दे उन्होंने इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन दे उन्होंने मैं थैंक यू कहनी है कि मैं इतने लगे आए कि मैं एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा अपने टाइटल्स जीते ने मैंने इन्हों सोशल वर्क का काम करती पी हाँ तो मैंने बहुत वधिया लगता है कि जो मैं आनी हूँ इन्हों तो बच्चों सिखाना बच्चों के नाल टाइम स्पेंड करना बहुत ही मैनू लगता है कि बहुत मान योग है मैनू गर्व हाँ गर्व है कि मैं इन्होंने हाँ
ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਮਨਦੀਪ ਮਿੱਤਲ ਹੈ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਸਾਡੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਅਰਸ਼ਦ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਝੱਗੀ ਝੁਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ 'ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਜਨ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੈ ਹਿੰਦ ਜੈ ਭਾਰਤ बैंक यूनियन की यूनाइटेड फार्म की ओर से एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर दिनेश डोगरा एसपीएस विर्क दिलीप पाठक ने कहा कि उनका पिछला वेतन समझौता अक्टूबर 2022 में समाप्त हो गया है। आईबीए को मांगों का नया चार्टर प्रस्तुत किया गया है। इस पर भी आईबीए पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए है। सप्ताह में 5 बैंकिंग दिन शुरू करने पिछले सेवानिवृत्त लोगों के लिए पेंशन को अद्यतन करने की मांग को लेकर उनकी ओर से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। नई पेंशन योजना को समाप्त करने व पुरानी पेंशन योजना को बहाल करना भी उनकी मुख्य मांगे हैं। उन्होंने कहा कि जिसके चलते 30 और 31 जनवरी 2023 को सभी बैंकों में हड़ताल की जा रही है। इस मौके पर संजीव भल्ला कंवलजीत सिंह कालरा एचएस वीर राजकुमार जौली रमेश भगत राजकुमार भगत पवन बस्सी विनोद शर्मा जसविंदर सिंह सानी बलजीत कौर जगप्रीत सिंह एनके खन्ना राजेंद्र कुमार अशोक कुमार एवं संदीप मेहता भी मौजूद रहे। 740 बंद रहेगी और बैंक इंडस्ट्री बंद रहेगी और जिहड़े भी साथी साडे इकत्र हो गए इकट्ठे हो गए एक जगह ते जो असी 31 और 31 का प्रोग्राम बना के सारा सर्कुलेट कर देंगे उस हिसाब ना ही जो भी बनूगा भी जो साडा डिसीजन होगा स्ट्राइक का वो पुरजोर असी उहदा समर्थन करांगे और जो भी साडियां डिमांड हैगियां वह 5 डिमांडा साडियां हैगियां 5 डे वीक हैगा और अपडेशन पेंशन हैगी और जिहड़ा NPS स्कीम तो हैगा बैंकों नूं प्राइवेट सैक्टर वल के लिया जाता है यह भी हैगा पहला बैंक मर्ज करते फिर प्राइवेट सैक्टर वल लैके जाते दिन भर दिन जो भी बैंक का नुकसान ही हो रहा कोई इदा का इस गौरमेंट ने कोई इदा का काम नहीं किया जिहड़ा भी किसी भी इंपलाई के बेनीफिट लिए होए और देखो भर्ती बंद हैगी उन्होंने बंद काम चलता एक एक बंदा एक एक ब्रांच काम करता कोई मोस्टली कोई लोकल ABO ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਆਫਿਸਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ AIBO ਸਟੇਟ ਦਾ ਟ੍ਰੇਜਰਰ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ 30 ਤੇ 31 ਜਨਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ 12 ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ 30 ਔਰ 31 ਦੀ ਫੁੱਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਰੋਜ਼ਾ ਹਫ਼ਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਓਲਡ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਅਤੇ NPS ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਟੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਨਾਰੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਕੋਈ ਕਨਸੈਪਟ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਸਟੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਅਸੀਂ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ 1 ਮਾਰਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਬੌਂਡਰੀ ਬਾਗ ਤੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ।
बसंत पंचमी का त्यौहार बठिंडा में लोगों द्वारा बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर जहां लोगों ने कई तरह के पकवान अपने घरों में बनाए तो वहीं घर की छतों पर चढ़कर पतंगबाजी भी की और छोटे बच्चों की ओर से गुब्बारे उड़ाए गए। इस दौरान सुबह से ही लोगों ने घरों की छतों पर बड़े बड़े स्पीकर लगाकर ऊंची आवाज में गाने लगाए हुए थे और इसके साथ ही पतंगबाजी की जा रही थी। इस दौरान दिल्ली से विशेष तौर पर पतंगबाजी के लिए बठिंडा आई एक लड़की ने कहा कि उसे बसंत पंचमी के त्यौहार का बेसब्री से इंतजार था और इसी के चलते वह इतनी दूर से पतंगबाजी के लिए आई है। इसके अलावा बीकानेर से अपने मायके परिवार में विशेष तौर पर बसंत पंचमी के लिए पतंगबाजी करने पहुंची लड़की ने लोगों से अपील की कि वे चाइना डोर का इस्तेमाल ना करें। हैप्पी बसंत पंचमी सबको, सब लोगों को ना चाइना डोर को छोड़ के अपना डोर अपनाना चाहिए और सबको घर मिलके मिलजुल के अपने फैमिली के साथ फ्रेंड्स के साथ बसंत पंचमी मनानी चाहिए और हैप्पी रिपब्लिक डे सबको। यहाँ के रहने वाले हो आप? नहीं, मैं आंध्र प्रदेश से हूँ और मेरी शादी बठिंडा में हुई है। कैसा लगा? हाँ जी, क्या नाम आपका? नमस्कार, मैं आंजू शर्मा, मैं दिल्ली से आई हूँ स्पेशली पसंद देखने, बठिंडा की पसंद देखे मुझे बहुत खुशी हुई है। इतनी पसंद है, इतना स्पिरिट है लोगों के अंदर और मैं बहुत खुश हूँ देखकर। ये मिनी इंडिया है और मैं मैसेज ये देना चाहूँगी कि प्लीज़ आप चाइना वाला कोई डोर ना इस्तेमाल कीजिए, मेक इन इंडिया है, आप इंडिया की मिनी। आप पहली बार आए हो बठिंडा में? कैसा लगा बठिंडा में? बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया स्पिरिट है, बहुत ही बढ़िया फेस्टिवल। मोरिंडा शहर में चल रहे सीवरेज के कार्यों के कारण लोगों को काफी परेशानियां आ रही हैं। शहर में अधिकतर इलाकों में बारिश के बाद मिट्टी ने कीचड़ का रूप धारण कर लिया है, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में काफी परेशानी पेश आ रही है। वहीं शहर के शमशान घाट को जाने वाला रास्ता भी सीवरेज विभाग के द्वारा खोदा हुआ है और कोई दूसरा रास्ता ना होने की वजह से शमशान घाट में संस्कार करने के लिए आने वाले लोगों को भी भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सीवरेज के कार्यों को चलते हुए काफी समय बीत चुका है लेकिन अभी तक यह पूरा नहीं हो पाया है, इसलिए लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि पहल के आधार पर जल्द से जल्द इस रास्ते को ठीक करवाया जाए। मोरिंडा से हलचल के लिए राधेश्याम शर्मा की रिपोर्ट। राम राम जी सारेयानू। एक बड़े अफसोस की गल है भी यह मोरिंडा शहर दे विच सरकार बनी है जदों दी सारे पट पटैया इन्ना बुरा हाल करिया होया इन्होंने कि एक शमशान घाट में इको रस्ता जाता है और अज 25 दिन के करीब हो चले हैं और रस्ता बंद होया पाया भी लोगों को अगर जाना है तो किस तरह जाना, एड्डी मुश्किल है। तुम रस्ते का हाल देख सकते हो, एडे एडे टोए हैं सीवरेज के ना दे पटिया होया, लेकिन 25 दिन क्या एक छोटा जहा टुकड़ा एक सीवरेज की पाइप नहीं पाई, पाइप टाइम सिर पाते इतने लंघन रस्ता बनाते ताकि लोगों को जाना होंगे। यह बहुत जरूरी काम है, इनू आप इग्नोर भी नहीं कर सकते। सो मेरी प्रशासन अगर बेनती है भी इस बार जल्दी तो जल्दी ध्यान देकर जल्दी बनाए। रस्ते में सारी तरफ कीचड़ ही कीचड़ है, लोगों को आने जाने में बड़ी परेशानी होती है। संस्कार के तो रुक नहीं सकते, संस्कार तो रोज़ ही आते रहते हैं, ठीक है। लोगों को ना गाड़ी आ सकती है ना ही पैदल आ सकते हैं, बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। राष्ट्रीय परशुराम सेना के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री शिवम शर्मा बागेश्वर धाम सरकार के श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज के समर्थन में खुलकर सामने आए हैं। इस दौरान उन्होंने उन्हें चुनौती देने वालों को ललकारते हुए कहा कि श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज श्री सनातन धर्म और संस्कृति को लेकर खुलकर बात करते हैं, इसलिए कुछ धर्म विरोधी लोग उनका विरोध करते हैं जो कि सरासर गलत है, इसलिए वे उनका पूर्ण समर्थन करते हैं और उनमें अपनी पूर्ण आस्था रखते हैं। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का आखिरकार विरोध क्यों? क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री जी सनातन धर्म की बात करते हैं, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री जी देश की बात करते हैं, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री जी देश विरोधी ताकतों के खिलाफ खुल करके बोलते हैं, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री जी सनातन धर्म के प्रति अटूट विश्वास पैदा करते हैं भारत में नहीं विदेशों में भी जाकर के, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री जी ने सनातन धर्म को छोड़ करके सैकड़ों परिवार जो अन्य धर्म में चले गए थे उनकी घर वापसी कराई सनातन धर्म में। क्या इसलिए विरोध? नागपुर में एक संस्था के द्वारा अंधविश्वास ठगी और चुनौती की बात की गई, तो क्या हनुमान जी के मंत्रों का जाप करना अंधविश्वास है? क्या हनुमान जी के चरणों में अर्जी के रूप में नारियल भेंट करना क्या ये अंधविश्वास है? नहीं, यह मेरा विश्वास है और मेरे साथ साथ लाखों करोड़ों लोग जिनकी आज सब भावना बागेश्वर धाम के साथ जुड़ी हुई है, ये उनका उनके ईष्ट के प्रति विश्वास है। और आपने बात की चुनौती की, चुनौती एक राजा दूसरे राजा को युद्ध के लिए देता था,
चुनौती बराबर के व्यक्ति को दी जाती है। अरे संतों के आगे तो हाथ जोड़ करके आग्रह किया जाता है, अगर आपके मन में कोई संशय है तो आपको बागेश्वर धाम सरकार में जाकर के धीरेन्द्र शास्त्री जी के समीप जाकर के अपनी जो संशय है उसको मिटाना चाहिए। स्वयं आपको धीरेन्द्र शास्त्री जी ने रायपुर भी बुलाया है, आपको उन्होंने बागेश्वर धाम में बुलाया है, जहां पूरी दुनिया में शहीद बाबा दीप सिंह जी का जन्मदिवस बड़ी ही श्रद्धा भाव से मनाया गया, तो वहीं मालवा क्षेत्र में स्थित सिख जगत के चौथे तख्त तख्त श्री दमदमा साहिब में भी बाबा दीप सिंह जी के जन्मदिवस के अवसर पर विशेष समागम किए गए। इस दौरान सर्वप्रथम पिछले 3 दिनों से रखे गए श्री अखंड पाठ साहिब जी के भोग डाले गए, जिसके बाद तख्त साहिब के हजूरी रागी जत्थों ने कीर्तन कर उपस्थित संगत को गुरु चरणों से जोड़ा। वहीं इस दौरान देश विदेश से आई संगतों ने तख्त श्री दमदमा साहिब में नतमस्तक होकर आशीर्वाद प्राप्त किया, तो वहीं श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने बाबा दीप सिंह के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी दी। अमर शहीद धन धन बाबा दीप सिंह जी, जिन्हों ने जिथे गुरु पंथ की गुरु ग्रंथ की बहुत वड्डी सेवा की है, उत्थे तक श्री दमदमा साहब जी तलवंडी साबो विखे भी 50 साल तो उपर समा रह के उन्होंने बतौर जथेदार सेवावान निभाइया ने। उन्हों की शहादत संसार के अदुती ते लासानी शहादत है। अज उन्हों का जन्मदिन है और उन्होंने जन्मदिन के मौके समूह गुरु नानक नाम लेवा सिख संगतान समुचे गुरु खालसा पंथ को बहुत बहुत बधाई। बसंत पंचमी का त्यौहार देश भर में बड़ी ही श्रद्धा एवं उत्साह के साथ मनाया गया, जिसके चलते अमृतसर के ऐतिहासिक गुरुद्वारा छहरट्टा साहिब में इस अवसर पर विशेष रौनकें देखने को मिली। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बसंत पंचमी के अवसर पर जोड़ मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में संगतों ने दूर दूर से पहुंचकर पावन सरोवर में स्नान कर गुरुद्वारा साहिब में माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर गुरुद्वारा साहिब के हेड ग्रंथी हरजीत सिंह ने गुरु छेरटा साहिब के ऐतिहासिक महत्व पर भी प्रकाश डाला। इस दौरान गुरु का अटूट लंगर भी लगाया गया। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। सिख इतिहास में अपनी अनोखी शहीदी के लिए प्रसिद्ध बाबा दीप सिंह जी के जन्म दिवस पर एक अलौकिक नगर कीर्तन श्री अकाल तख्त साहिब से निकाला गया। यह नगर कीर्तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की छत्र छाया और पंच प्यारों की अगुवाई में निकाला गया। यह नगर कीर्तन श्री अकाल तख्त साहिब से शुरू होकर विभिन्न बाजारों से होता हुआ गुरुद्वारा शहीदगंज साहिब में जाकर संपन्न हुआ, तो वहीं नगर कीर्तन में स्कूल बैंड पुलिस बैंड के अलावा विभिन्न गतका पार्टियों ने अपनी कला के जोहर दिखाई, तो वहीं नगर कीर्तन में शामिल संगतों ने गुरबानी का संचार कर माहौल को भक्तिमय रूप प्रदान किया। इस मौके पर असंख्य संगत भी मौजूद रही। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। अमर शहीद धन धन बाबा दीप सिंह जी का जन्म दिहाड़ा 27 तरीक नूं है। अज समूह संगत श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सचखंड श्री हरिमंदर साहब जी के प्रबंध वालों श्री अकाल तख्त साहब तो नगर कीर्तन आरंभ होया है, जिहड़ा शहर के वखरे वखरे स्थानों तो हुंदा होया शहीदगंज बाबा दीप सिंह जी के अस्थान पर पहुँचेगा। बाबा जी का जन्म जिहड़ा है वो 1682 के पौ पिंड होया, भाई भगता जी माता जूनी दी कुखो 18 साल की उम्र में गुरु घर आए। 1700 उन्होंने खंडे बाटे का अमृत छकया। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज आप पंजा प्यारियां च लगे जदों भाई साहब जी ने अमृत छकया। कुछ साल गुरु महाराज के कोल बतीत करन तो बाद अपने पिंड फिर माता पिता के नाल आ गए, क्योंकि माता पिता ने मंग की कि असी दीप सिंह जी की शादी करनी। सतगुरां ने तुरन लगे एक गल कही, जो गुरमत मर्यादा तुसी इत्थे रह के सिखी आनंदपुर साहब की पावन धरती ते इनू आप दृढ़ करना ते होरना नाल भी इसकी सांझ पानी। जदों सतगुरां ने आनंदपुर साहब छड़िया उस तो उपरंत
सतगुरु महाराज जिवें साके वरतांदे होए मुकतसर की जंग तो बाद मुकतसर तो बाद फिर पहुँचे भाई डल्ले दे कोल साबो की तलवंडी दमदमा साहब दमदमा साहब पहुँच के सतगुरु महाराज नूं परिवार भी मिलिया। बाबा दीप सिंह जी भी उत्थे गए, भाई मनी सिंह नाल थन क्योंकि वह परिवार को दिल्ली तो लैके आए। सतगुरु ने इत्थे आत्मक शक्ति दे नाल सतगुरु की अकाल पुरख की कृपा नाल एक ओंकार तो लैके 18-10-20 तक गुरु ग्रंथ साहिब लिखवाए। लिखण की सेवा भाई मनी सिंह ने की, कलमां की ते शाही की जिहड़ी सेवा सी वह बाबा दीप सिंह जी करते रहे। जदों सतगुरु महाराज दखण वल गए हन, भाई मनी सिंह ते बाबा दीप सिंह जी नूं उह दमदमा साहिब छड के चले गए, जिम्मेवारी संभाली। पुरशोत्तम रानी महेंद्रू जो कि अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में विलीन हो गई है, उनकी आत्मिक शांति हेतु रस्म क्रिया श्री देवी तलाब मंदिर स्थित राम हाल में की गई, जिसमें पंडितों ने श्री गरुड़ पुराण जी के पाठ का भोग डालकर स्वर्गीय पुरुषोत्तम रानी महेंद्रू की आत्मिक शांति हेतु प्रार्थना की। इस दौरान भजन गायिका सीमा मेहता ने विरागमयी कीर्तन कर स्वर्गीय पुरुषोत्तम रानी महेंद्रू को श्रद्धांजलि भेंट की। इस मौके पर श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष एवं दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, पूर्व कैबिनेट मंत्री अवतार हैनरी, पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी, पूर्व विधायक के डी भंडारी और पारिवारिक सदस्यों में घनश्याम महेंद्रू, शिवानी महेंद्रू, नरेंद्र मोहन महेंद्रू, सीमा महेंद्रू, कृष्ण हैप्पी महेंद्रू, डोली महेंद्रू, सीमा कक्कड़, सुनील कक्कड़, तलवाड़ परिवार, विजधीर कपूर, धवन और सचदेवा परिवार सहित राजनीतिक, धार्मिक तथा सामाजिक वर्ग से जुड़े लोगों ने स्वर्गीय पुरुषोत्तम रानी महेंद्रू को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। जिन्होंने 50 साल
या इससे ज्यादा ही गुरु दरबार के साथ जुड़े हुए थे। प्राण से, मन से, धन से गुरु दरबार की सेवा की और श्री गुरु महाराज जी का नाम के रोम रोम के अंदर समाया हुआ था। उनके अंदर श्री गुरु महाराज जी के प्रति इतना अटूट श्रद्धा प्यार था वर्णन नहीं किया जा सकता। वो आप तो ऐसे महान थे और जाते जाते अपने परिवार को भी सही मार्ग दर्शाने लगे। महापुरुष मानते हैं कि हरि कृपा कर जन्म दियो जग मात पिता द्वारे, उनसे अधिक गुरु जी हैं पवन किसी तारे। संसार के अंदर कोई माता पिता अपने बच्चों को दान देकर जाता है, कार्य देकर दी जाता है, महल मकान देकर दी जाते हैं, और सबसे अच्छी जो चीज होते हैं, अच्छे संस्कार जो होते हैं, वे कोई भाग्यशाली ही जीव देते हैं। पुरुषोत्तम देवी माता जी ने अपने बच्चों को ऐसे कुछ संस्कार दिए कि श्री गुरु महाराज जी के चरणों में वो आप जुड़े थे, परिवार को भी जोड़ करके गए, परिवार भी श्री गुरु महाराज जी के चरणों में जुड़ करके तन से, मन से, धन से सेवा कर रहे हैं और गुरु को अपनी संसार के अंदर ड्यूटी भी उन्होंने अदा ऐसे की। बहुएं नहीं थी उनकी, बेटियां थी। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। ऊना पुलिस ने बॉर्डर एरिया में रेत के लगे डंपों पर दबिश देकर बड़ी कार्यवाही को दिया अंजाम। कई गाड़ियां, फोकलेन, जेसीबी मशीन और टिप्पर किए बाउंड। बठिंडा में चाइना डोर की वजह से एक नौजवान का कटा गला, अस्पताल में करवाया गया भर्ती। फगवाड़ा में स्कूटरी पर जा रहा एक युवक हुआ चाइना डोर का शिकार, लगभग 40 टांके लगे। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।